नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के किसानों ने 5 दिन पहले नासिक से मुंबई के लिए कूच किया था पैदल मार्च करते हुए अपनी कई मांगों के साथ। उनसे जुड़ी अहम खबर यह है कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे अपील की है अपना मार्च वो वापस ले लें, उनकी मांगे मान ली जाएंगी। बिल्कुल लॉन्ग मार्च जो निकला था। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नासिक से शुरू हुए आदिवासी किसान मार्च के नेताओं से चर्चा की गई है, जिसमें आदिवासी किसानों की सभी मांगों को लेकर एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में विधायक विनोद निकोल, जेपी गावित समेत कई नेता होंगे। कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। एकनाथ शिंदे ने यह भी ऐलान किया है कि प्याज के किसानों को 300 रुपये की जगह 350 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारियों को ये फौरन लागू करने का आदेश दिया गया है। नासिक के डिंडोरी से चला ये किसान मार्च कल वाशिम में रुक गया था। किसानों की एक अहम मांग प्याज पर MSP भी है। दरअसल कई इलाकों में प्याज कौड़ियों के भाव बिक रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ने कहा कि किसानों की मांगे अपनी मान ली है, आज अपने बयान भी। बिल्कुल लॉन्ग मार्च जो निकला था, जेपी गावित जो कॉमरेड अपने विधायक माजी विधायक है उनके नेतृत्व में उनसे बात हो गई, कल चर्चा हुई, कल बैठक हुई। उस बैठक में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है। कई 14-15 मुद्दे थे, उनमें से कई मुद्दों पर निर्णय भी हुआ है और आज मैंने उसका निवेदन भी सदन में किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही जो निर्णय हुआ है उसका अमल भी हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएंगे निर्णय। वैसे सूचनाएं मैंने सब संबंधित विभाग को दी हुई है, जो निर्णय हुए हैं वो तत्काल लागू हो जाएंगे, ऐसी पूरी व्यवस्था की हुई है। और इसलिए जेपी गावित और उनके सहयोगी से मेरा निवेदन है कि ये जो उनका आंदोलन है वो पीछे लिया जाए, ऐसा मेरा उनको आह्वान। और आज भी हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा पूरा दिन पैदल मार्च कर रहे किसानों के साथ रहे। अब इस ऐलान के बाद इन किसानों का अगला कदम क्या होगा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सोहित। आश्वासन इससे पहले भी 2 बार किसानों को मिल चुके हैं। इससे पहले 2 बार नासिक से मुंबई किसान आए हैं, इसलिए इस बार उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस चीज़ नहीं होती, यानी आज जैसे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार तक एक GR जारी हो जाए, GR के जरिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सामने लाए जिसमें ये वाकई पता चले। और यही आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा, उन्होंने कहा कि किसान को ही आने वाले 1-2 दिन में समझ में आएगा कि ज़मीनी स्तर पर ये काम हो रहा है, क्योंकि इसके बिना तो ये किसान वापस नहीं जा रहे हैं। आज दिन भर में उनके साथ था, उनकी जो परेशानियाँ हैं खासतौर पर जो आदिवासी किसानों की परेशानियाँ हैं वो नई नहीं है, काफ़ी समय से परेशानी है जंगलों में, जहाँ पर वो पीढ़ियों से वहाँ पर खेती कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वो ज़मीन उनके नाम पर नहीं है, इसके लिए लगातार वो लड़ रहे हैं। प्याज के जो किसान हैं वो 350 से भी खुश नहीं हैं फिलहाल, वो 600 रुपये की कम से कम सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शायद किसान की कोशिश होगी और दबाव बनाने की कि और क्या कुछ निकाला जा सकता है। जिस JP गावित को उन्होंने कमेटी में लिया है उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा मार्च चल रहा है, तो ऐसे में जो किसान नेता हैं वो आने वाले समय में खुद एक बैठक करके तय करेंगे कि आगे और क्या रणनीति हो। ये तीसरी बैठक किसान नेताओं और सरकार के बीच में हुई थी। जब नासिक से पहले किसान निकल रहे थे उससे पहले सरकार के नेता वहाँ पर पहुँचे थे, तब बैठक हुई। बीच में एक बार फिर से 2 कैबिनेट मंत्री वहाँ पर गए थे। कल हमने देखा कि किस तरह से किसानों का एक शिष्टमंडल सरकार के यहाँ पर आया, तो ये जो बातचीत का दौर है ये लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की ओर से अपील ज़रूर की गई है लेकिन अब तक ये जो किसान हैं उन्होंने इसे माना नहीं है या अब तक वो इससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आश्वासन कल भी दिए गए थे जब ये जो शिष्टमंडल है ये विधानसभा पहुंचा था, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की थी, तो आश्वासन से फिलहाल किसान संतुष्ट नहीं है। 100 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र वो कर चुके हैं, 90 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी भी भीषण गर्मी में खुले मैदान में किसान बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं खा पी रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि और भी राहत उन्हें मिलेगी और अगर नहीं मिलती है तो मुंबई की ओर कूच करेंगे। अगर जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया वाकई वो करते हैं तो किसान वहीं से एक बार फिर से अपने गाँव की ओर लौट जाएंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ पर वो थे जैसे थे वैसा ही माहौल अब भी मौजूद है, वाशिम में फिलहाल किसान इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी और रिश्वत पेशकश मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी की रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी द्वारा जो मैसेजेस और वीडियो भेजे गए थे उसे डिलीट करने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गई और इसमें राजनीतिक कनेक्शन की भी जाँच होनी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अनिक्षा अनिल जयसिंघानी, जिसने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से नजदीकी बनाने के लिए खुद को फैशन डिजाइनर बताया था, आज अदालत में उसके वकील ने दावा किया कि वो कानून की छात्रा है। इसके पहले अदालत में सरकारी वकील ने बताया
कि शिकायतकर्ता के पति पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत और आईपीसी की धारा 120 और 385 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनीक्षा ने अपने पिता को छुड़वाने के लिए पहले 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तब एक अज्ञात फोन नंबर से 22 वीडियो, 3 वॉइस नोट, कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलाकर कुल 40 मैसेज भेजे और उनको डिलीट करने के बदले 10 करोड़ रुपए की मांग की। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि उसके पिता अनिल जयसिंघानी पर कुल 17 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 में वो फरार है। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी बेटी अनीक्षा ने जिस तरह से मामले में भूमिका निभाई और बर्ताव किया है, उससे यह साफ पता चलता है कि वो अपने पिता के संपर्क में है और उसे पता है कि वो कहां छिपा है। सरकारी वकील ने 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए यह भी दावा किया कि मामले में राजनीतिक कनेक्शन की जांच करनी है। गौरतलब है कि गुरुवार को विधानसभा में बोलते समय खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि बातचीत के दौरान उसने कई पुलिस वाले और नेताओं के नाम लिए थे। इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है, कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं, और ऐसा मानना है कि शायद एमबीए की सरकार ने अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोपी अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज 17 में से 13 मामले सेटल हो चुके हैं, बेटी का उन मामलों में नाम भी नहीं है। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करने का आरोप भी लगाया। वकील ने आरोपी को कानून की छात्रा बताते हुए परीक्षा का हवाला देते हुए उसे कम से कम पुलिस हिरासत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनीक्षा को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले में अभी सिर्फ बेटी अनीक्षा गिरफ्तार है, लेकिन असली खिलाड़ी पिता अनिल जयसिंघानी अब भी फरार है। पुलिस के लिए उसे पकड़ना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जब भी वो पकड़ा जाएगा न जाने कितने नेताओं और पुलिस वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी एक ओर मांग करती रही कि राहुल माफी मांगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नारा लगाती रही कि राहुल को बोलने दिया जाए। जबरदस्त हंगामे के बीच सदन नहीं चल पाया। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक, लोकसभा की कार्रवाई ही नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी के सदस्य सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही माफी मांगो, राहुल गांधी सेम सेम। वहीं कांग्रेस के साथ डीएमके और लेफ्ट के सांसद वेल में आकर नारे लगाते रहे, राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो। स्पीकर के बार बार कहने पर भी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए, माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। साफ है कि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तभी उनको सदन में बोलने दिया जाएगा। लोकसभा में हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर आ गए ताकि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले। इसके बावजूद शोर शराबा नहीं थमा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर हमारे खिलाफ कुछ है, इन लोगों का इल्जाम चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के खिलाफ, तो इससे सबसे बेहतर जगह तो सदन के अंदर ही होते हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ा अद्भुत आचरण देख रहे हैं कि ये सदन के अंदर कुछ ना बोलते हुए बाहर बाहर अनाप शनाप बोलते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई तो विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। नारे लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। सदन न चलने की वजह से छोटी पार्टियों के सांसद काफी निराश दिखे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले 5 दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और टकराव की वजह से कई अहम वित्तीय विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। पहले हफ्ते में सरकार ने जम्मू कश्मीर बजट
2023-24 सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ कई अहम मंत्रालयों के बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा को एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन हंगामे की वजह से किसी भी अहम वित्तीय विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। हम लोग छोटी पार्टी से आते हैं, रीजनल पार्टी से आते हैं, और हमें यहाँ पर बोलना होता है। जनता बहुत उम्मीद के साथ हमें सवालों के साथ भेजती है कि हम उनकी आवाज़ बने, उनकी बातें उठाएं, ताकि उनके लिए कोई काम हो। इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया वो चाहती है कि आज हो, लेकिन हम मुद्दों को लेकर आते हैं, मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, सवाल वैसे ही रह जाते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं बस यही कहूँगी, दुर्भाग्यवश है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जहाँ पर वो जवाबदेही से भाग रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जैसे ही हमारे राज्यसभा में चेयरमैन आते हैं और यहाँ पर स्पीकर आते हैं, उससे पहले तो ट्रेजरी बेंचेस के एमपी हंगामा मचाना शुरू करते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर, यानी एयर टाइम भी नहीं किया जाता है कि उनको डांटे फटकारे, उनको जगह पे बिठाएं। 30 सेकंड के अंदर अंदर दोनों सदन स्थगित कर दिए जाते हैं, क्योंकि इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि लोग घबराए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, कहा कि पीएम ने गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कहीं से भी विशेषाधिकार का हनन बनता ही नहीं है, ये ध्यान बदलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की थूथू पूरे देश में हो रही है। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है वो कह रहा है कि कैम्ब्रिज में जाकर, लंदन में जाकर वो बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो उन्होंने जुडिशियल के खिलाफ बोला, जबकि भारत की जुडिशियरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। दूसरा, उन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ बात की है, वो भी एक अवमानना है। सोमवार से शुक्रवार तक सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब लग रहा है कि बजट का दूसरा भाग भी कहीं शोर शराबे में ही गुजर न जाए। संसद आज भी अखाड़ा बनी रही और बड़ी पार्टियों की नुरा कुश्ती में छोटी पार्टियां महज मूक दर्शक बन रही है। आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि नेता कब उनके बारे में सोचेंगे और लोकहित के मुद्दों पर बात करेंगे। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब आइए मुंबईकरों की सेहत की बात करते हैं। नवंबर महीने से ही मुंबईकर जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हैं। बीते साल की तुलना में 150% से ज्यादा वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। जनवरी में करीब 70 दिन ऐसे रहे हैं जब हवा खराब से गंभीर श्रेणी के बीच रही है। सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है मुंबईकरों के। अस्पतालों में यहाँ पर लोग चक्कर काट रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली से आगे निकलकर मुंबई की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई शहर में ऐसी करीब 5,000 कंस्ट्रक्शन साइट्स बताई जा रही हैं। दिन रात चल रहे इस काम में उड़ रही धूल शहर की हवा जहरीली कर चुकी है। मुंबई कर बेहद परेशान हैं। ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम जो पहले नहीं था, अभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा है। वो ऑफलेट में पहले तो कितना खांसी हो रहा है बच्चों को, लंबी खांसी, 1-1.5 मंथ्स खत्म ही नहीं हो रहा है। दे शुड हैव टेकन इन सम प्लेसेस एट टाइम एंड देन सम अदर प्लेसेस। ऐसा नहीं है एक ही साथ में सब जगह किया, so it is a problem for everyone. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होती है, क्रॉनिक जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत बहुत ही हो रहा है, तो दे शुड लिमिट दैट, सी दैट जितना चाहिए उतना ही करे वो। फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे बच्चे लोग कि 15 दिन में, महीने में 15 दिन 10 दिन ऐसा आते हैं बच्चे लोग बहुत एब्सेंट होने लगे। वायु मानक संस्था सफर इंडिया के अनुसार नवंबर से फरवरी के बीच मुंबई में ऐसे करीब 70 दिन देखे गए जब हवा की गुणवत्ता खराब से गंभीर यानी AQI 200 से 400 के बीच रही, जबकि पिछले साल ऐसे 28 दिन थे जब हवा जहरीली थी। तो बीते साल की तुलना में प्रदूषण में करीब 150% से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इस साल मुंबई में खराब और बेहद खराब दिन पिछली 3 सर्दियों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा थे। मुंबई की हवा में 71% से अधिक पार्टिकुलेट मैटर लोड का कारण निर्माण कार्यों की धूल को बताया जाता है। शिंदे सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने भी स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से मुंबई महानगर क्षेत्र की हवा खराब हुई है। नियंत्रण के लिए एक समिति का गठन हुआ है। रविवार 19 मार्च को एक विशेष बैठक भी बुलाई गई है। प्रदूषण से होने वाली तकलीफें लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। काफी पेशेंट जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता था उनको कफ परसिस्टेंट कर रहा है 4 से 6 हफ्ते तक। पहले कभी भी कफ था तो वो मुश्किल से एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता चलता था, अभी 4 से 6 हफ्ते तक परसिस्टेंट कफ के पेशेंट आए जा रहे हैं। स्पेशली जो पेशेंट क्राउडेड एरिया में जाता है, स्पेशली जो पर्सन COPD के हैं, अस्थमा के हैं, एलर्जी के,
उन लोगों में ये एयर पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा है। सो जिस तरह से H3N2 के केसेस आ रहे हैं, H1N1 के केसेस आ रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन अगर बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन स्पेशली, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान करने लायक होता है। इसीलिए अभी दो दिन पहले मेरी खुद की म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर चहल साहब से मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, उन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई है कि मुंबई में कैसे एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर क्या ऐसे मेजर्स किए जाए कि ताकि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो। बीते चार महीनों में ऐसे कई दिन रहे जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली रही। बीती सरकार में ही प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए एक्शन प्लान तो बना था, कभी इस पर अमल नहीं हो पाया और आज हालत ऐसी है कि लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।